कोविड 19 महामारी के संघर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा का अवसर। तो फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन 8 मई 2021 को जारी हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन संख्या दी गई है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस किस जिले में ये वैकेंसी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोविड 19 महामारी की द्वितीय लहर के प्रभावी होने के कारण यहाँ पर कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज यथा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लखनऊ SGPGIMS लखनऊ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नेम और हॉस्पिटल के नेम्स दिए गए हैं जहाँ पर आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NHM की दरों पर मानदेय के आधार पर कोविड वार्डों में तैनात किए जाने वाले कर्मिकों को यहाँ पर 25% और कोविड जांच लैबों हेतु यहाँ पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे, पर डे आपको क्या इनकम मिलेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, इन सभी के बारे में अब यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर वन पर निश्चेतक फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन के लिए यहाँ पर डे आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका छोटा सा वॉक इन इंटरव्यू होगा। चिकित्सक के लिए यहाँ पर डे आपको 2,500 रुपये दिए जाएंगे। MBBS यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा। MBBS इंट्रेंस वाले भी यहाँ पर अप्लाई करें, 500 रुपये पर डे यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। MBBS उत्तीर्ण यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो फ्रेंड्स, नंबर फोर पर यहाँ पर देख सकते हैं MBBS अंतिम वर्ष के यहाँ पर छात्र अप्लाई करें, 300 रुपये पर डे यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। MBBS अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्ययनरत कॉलेज हेतु ही मान्य। मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को यहाँ पर 2,541 रुपये यहाँ पर डे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 6 नंबर पर बात करेंगे स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स को यहाँ पर 750 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर रखा जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित मेडिकल कॉलेज संस्थाओं से कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं MSc नर्सिंग के छात्र छात्राएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं हैं तो यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ पर डे आपको 400 रुपये दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ पर सेलेक्शन आपका किया जाएगा। BSc और GNM वाले कैंडिडेट्स के लिए भी सेम यही चीज़ है। आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपीज़ पर डे यहाँ पर आपको दिया जाएगा। वार्ड बॉय और सफाई कर्मी को यहाँ पर 359 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे कोविड जांच लैब हेतु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन को 495 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर को यहाँ पर 421 रुपीज़ पर डे और लैब अटेंडेंट को यहाँ पर 359 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो है आप लोगों का यहाँ पर
शैक्षणिक अर्हता और अनुभव मांगा गया है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में संबंधित मेडिकल कॉलेज संस्थाओं में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आप लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नंबर वन, कार्मिकों हेतु माह में न्यूनतम 14 दिन की कोविड ड्यूटी अनिवार्य होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मंथ में आप लोगों को 14 दिन यहाँ पर ड्यूटी करनी ही करनी है, तभी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट 3 में दिया गया है कि यह योजना दिनांक 1 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। तो फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर कर ली है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करें। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।